हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 ट्यूटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रांची विमेंस कॉलेज का यूजी और यूजी वोकेशनल कोर्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को देखने वाले। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है फॉर्म को भरने में कैसे भरा जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपको क्लियर करूँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन करके ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसी वेबसाइट पर आपको आना है, ranchivomenscollege.org। उसके बाद ये होम पेज है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे में आना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये इंटरमीडिएट का है, तो इंटरमीडिएट का जो लास्ट डेट है दोस्तों ये 15 अगस्त तक है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज 13 है, तो 2 दिन और है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं BA, BCom, BSc का है और यहाँ वोकेशनल कोर्स का है। तो सीधा सा दोस्तों यहाँ चांसलर पोर्टल से आपको एडमिशन लेना होगा। डायरेक्टली कहा गया है कि एडमिशन टू UG कोर्स दो चांसलर पोर्टल बाय RU नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इस इंटरफेस पे, इस पेज पे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लेना जो भी है, जो टोटल आई थिंक 6 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। ओके, यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा। साइन अप में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, फिर आपको साइन अप करना होगा। तो जैसे ही आप साइन अप करोगे दोस्तों, फिर आप होम बटन पे आ जाना। साइन अप आप जब कर लोगे तो आपके मोबाइल पे ईमेल आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड डाल के और ये कैप्चा डाल के लॉग इन कर लोगे, ठीक है। तो लॉग इन करोगे तो फिर से एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको सारा कॉन्टेक्ट डिटेल यानी कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारा इन्फॉर्मेशन, एड्रेस परमानेंट, ये सब डालना होगा। फिर जब नेक्स्ट स्टेप करोगे तो वहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, मतलब कि ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स, पासिंग ईयर क्या था और फिर कौन कौन से सब्जेक्ट थे। फिर जब नेक्स्ट स्टेप करोगे तो वहाँ पे से आपसे कौन सा मतलब ऑनर्स लेना चाहते हो वो आपसे डिटेल मांगा जाएगा। फिर आपका मतलब कि फ़ोटो और सिग्नेचर मांगा जाएगा। फिर लास्ट में आपका पेमेंट होगा, तो उसके बाद आपको पेमेंट करके डाउनलोड कर लेना होगा। सीधा सा दोस्तों है, आप लोग मतलब कि मैसेज कर रहे हो कि सर नहीं हो रहा, अब इसमें नहीं होने वाला, क्या सवाल है, मेरे को नहीं पता। पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए वोकेशनल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ 16 अगस्त तक है, ठीक है दोस्तों। 5 अगस्त को इसका स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन UG का वोकेशनल कोर्स का, तो 16 अगस्त तक है। आपको इस पर क्लिक करना होगा, इसके इसी साइट पे होगा, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हैं rwcranchi.in/login। अब यहाँ देखिए कैसे करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का न्यू इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। अब ये इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखिए पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा। अगर आपने क्रिएट कर लिया है तो यूज़र आईडी पासवर्ड डालें। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट जब आप करोगे, आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है, मे बी सर्वर का इशू हो। ओके, तो देखिए अगर नहीं भी काम कर रहा है दोस्तों तो आप फिर से कर लेना। उसमें करना क्या कि मोबाइल नंबर आप दूसरा डाल के कर लेना, ओके। क्रिएट अकाउंट करना, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट करना। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ देख सकते हो नाम, फुल नाम डालना, यूजर नेम डाल देना, पासवर्ड डालना, रिटाइप करना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी दूसरा ही डालना, ठीक है। उसके बाद अपना फ़ोटो अपलोड कर देना। फ़ोटो जैसे ही अपलोड करोगे उसके बाद शायद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो सीधा सा इसको जब आप कर लोगे तो उसके बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो है मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस है जैसा मैंने चांसलर पोर्टल का बताया, इसमें डाउट वाली कोई बात ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ लॉग इन ऑन करके यहाँ देख सकते हैं क्या क्या करना होगा। सारा प्रोसेस लिखा है, फोटो एंड सिग्नेचर को इस साइज में आपको अपलोड करना होगा। फिर आपको प्रीव्यू डेटा का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना होगा। अगर फाइनल हो जाएगा तो फाइनल कर देना, नहीं तो एडिट बटन करके आप वहां पे एडिट कर सकते हो। फिर फाइनल सबमिशन मांगेगा, फाइनल सबमिशन के बाद डाउनलोड कर लेना फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। तो यही सब प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अच्छे से रखना रिकवरी के लिए, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। फिर भी अगर डाउट हो तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके फ्रेंड्स।